हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने बैगन का भरता तो बहुत बारी खाया होगा और सब्जियां भी बहुत बारी खाई होंगी और भरता कई तरीके से बनाया होगा। लेकिन आज जो भरता हम बनाएंगे, बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। बैगन को भूनेंगे नहीं, उसके बिना ही बैगन का भरता बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो बैगन हमें ले लेने हैं। तो मैंने ये दो बैगन लिए हैं और क्या कर रहे हैं, हमें पहले इसकी जो डंडी है, हमें इस तरह से इसकी डंडी को उतार लेना है और इसके जो छिलका है, हमें पूरे छिलकों को अच्छे से पील कर लेना है। आप चाहें तो इसे पीलर से भी कर सकते हैं, लेकिन पीलर से ज़्यादा अच्छा ये इस तरह से चाकू से करने में हुआ। मैंने ट्राई किया था, पीलर से बढ़िया इस तरह से हो रहा था, तो मैंने इसे चाकू से ही कर रही हूँ। तो अगर आपका जैसा कंफर्ट लगे, आप उस तरह से कर लीजिए। आपको क्या करना है, बैगन लेके बैगन के पूरे छिलके आपको इस तरह से उतार लेने हैं। बहुत मोटा छिलका नहीं उतारना है, सिर्फ पतला सा छिलका उतारना है और इस तरह से छील लेंगे तो आपका बैगन मिल जाएगा आपको। और फिर इसे आप पानी में डाल लीजिए, क्योंकि जब भी बैगन आप छीलें तो काला पड़ जाता है। तो थोड़ा सा पानी में आप इसको वॉश करके और हमें इस तरह से इसको काट लेना है। तो आपको रफली काट लेना है, जैसा चाहें वैसा काट लीजिए, क्योंकि ये सब गल के एकदम हमें भरता बना लेना है। तो जितना बारीक काटेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, जल्दी पक जाएगा। और बैगन एकदम कम वाला लीजिए, एकदम जिसमें बीज ना हो बहुत ज़्यादा, तो उस वाला बैगन का भरता जो है अच्छा बनता है। तो इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे रफली, जैसा चाहें पतला मोटा काट लीजिए, सब गल जाएगा। तो कढ़ाई में सरसों का तेल ले लेना है और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें अंदर आपको डालना है लहसुन अदरक। तो लहसुन 5 से 8 कलियाँ ले लीजिए और 1 इंच का अदरक लिया है मैंने, और इसे बारीक काट लेना है। काट के इसे आपको एकदम ब्राउन होने तक हमें एकदम अच्छे से पकाना है, एकदम बढ़िया से एकदम लाल हो जाए। और थोड़ा सा हमें हींग डालना है, 2 पिंच हींग डाल दीजिए और इसे तेल में अच्छे से थोड़ा सा चला दीजिए और अच्छे से कोट हो जाए तेल के साथ और अच्छा सा ब्राउन हो जाए। 2 से 3 मिनट में अच्छा सा ब्राउन हो गया है। इसी में आपको 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के डाल देना है और इसे भी अच्छे से तेल में चला दीजिए और 1 से 2 मिनट अच्छे से चलाइए। तेल की अच्छे से कोटिंग हो जाए और 4-5 मिनट लगेगा, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। जब अच्छे से ब्राउन हो जाए तो फ्रेंड्स, आपको इसमें डाल देना है 4 से 5 हरी मिर्च एकदम बारीक कटी हुई। इसे भी 1 मिनट के लिए हल पका लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये पक जाए, इसके अंदर हमें डाल देने हैं अपने जो बैगन हमने काट के रखे थे, तो सारे बैगन हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। तो बैगन आप चाहे मोटे काटे पतले काटे, क्योंकि जब हम इसे हम पकाएंगे तो सारे बहुत गल जाते हैं अच्छे से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ में ही स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और अच्छे से इसे हमें चला देना है। और फ्लेम को हमें हाई पे ही रखना है, फ्लेम कम नहीं करना है। फ्रेंड्स, फ्लेम जो है गैस का आपको हाई पे रखिएगा, ताकि जो बैगन का पानी निकलेगा वो जल्दी सूख जाएगा। जब आपको बैगन आप पकाते हैं तो जैसे ही उसमें सेक लगता है तो वो बहुत स्मूथ हो जाता है जल्दी से। और देखिए कितना, 2 से 3 मिनट हुआ है ढक के हमने इसे पकाया है और कितना ज़्यादा जो पानी था वो सारा सूख गया है, क्योंकि हमने फ्लेम हाई किया हुआ था। और ये काफ़ी पक चुका है, काफ़ी बढ़िया से पक चुका है। और ये देखिए, अब इसे हम इस तरह से कर देंगे, एकदम भरता बना देंगे इसको। थोड़ा सा इस तरह से करछी से कर देंगे तो एकदम भरता बन जाएगा। इस तरह से हमें कर देना है। तो सारा भर देखिए, बैगन जो है एकदम भरते के रूप में बदल गया है। हमें इसे कुछ नहीं करना पड़ा है, बहुत अच्छे से गल जाता है छिलका उतारने के बाद, बहुत बढ़िया गल गया है। अब इसके अंदर हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स 1 मैगी मसाला। इससे जो टेस्ट है बैगन के भरते का, बहुत ही बढ़िया आता है। आपको खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है भरता। और इसी के साथ डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। मिर्च आप पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाल दी है, तो हल्का सा मैं इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ, ताकि इसका जो सब कलर है वो और अच्छा सा आ जाए। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं, बढ़िया से मिक्स करेंगे और हल्दी भी अच्छे से पक जाएगी 1 से 2 मिनट में, और कलर भी काफ़ी हमारा भरते में बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और भरता जो है हमारा अच्छे से पक चुका है, बैगन हमें कोई कमी नहीं है, एकदम बढ़िया से पक गया और बहुत ही जल्दी पका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। 2 टमाटर डाल लीजिए मीडियम साइज़ के या 1 मीडियम साइज़ का, जैसा आप पसंद करें। उस तरह से आपके भरते की क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। तो मैंने 2 बड़े बैंगन लिए थे, तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए और इसी में 2 मिर्चें
आप थोड़ा सा बारीक काट के डाल दीजिए, इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। अब टमाटर जो है हमारे थोड़े थोड़े से गर्माइश से अच्छे से थोड़े से गल गए हैं, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। और देखिए भरता जो है हमारा बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी भरता बनता है। बिना बैगन को भूने आप इस तरीके से बहुत ही टेस्टी भरता बना सकते हैं और बहुत झटपट बन जाता है, 10 मिनट में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।